विठल मंदिर वार्ड के वैभव लक्ष्मी मंदिर में पानी भर जाने से दर्शन के लिए आए लोग मंदिर में फंसे। इसकी जानकारी चंद्रपुर पुलिस रेस्क्यू आपत्ति व्यवस्थापन पथक को मिलने पर तत्काल पथक घटनास्थल दाखिल हुआ और पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बरसात के कारण चारों ओर हाहाकार मचा, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोगों के हाल बेहाल हुए। कई जगह बाढ़ की स्थिति निर्माण होने से लोग बाढ़ के पानी में फंसे। ऐसे में चंद्रपुर पुलिस रेस्क्यू आपत्ति व्यवस्थापन पथक ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जहां जहां बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई वहां वहां चंद्रपुर जिला पुलिस रेस्क्यू आपत्ति व्यवस्थापन पथक ने समय पर पहुंचकर अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को सही सलामत निकालकर उनकी जान बचाई, उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया। ऐसे में विठल मंदिर वार्ड के वैभव लक्ष्मी मंदिर में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने यह पथक समय पर पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनकी जान बचाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विठल मंदिर वार्ड के वैभव लक्ष्मी मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन के लिए लोग आए थे, तभी अचानक जोरदार बरसात हुई जिससे पानी का स्तर बढ़ गया। इसमें 5 लोग फंसे थे। इस दौरान उनके पास मोबाइल फोन न होने के कारण वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। ऐसे में सुबह करीब 9:30 के दौरान श्री टॉकी चौक के निवासी निकिता पेद्दावार, विशाल रामगिरवार, श्रेयस शिंदे ने सिटी केबल समाचार के प्रतिनिधि आकाश नामेवार से संपर्क किया और उन्हें जानकारी दी। आकाश नामेवार ने तत्काल स्थानिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े इन्हें फोन कर जानकारी दी। तभी पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े ने आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष के अशोक गर्गिलवार को इस संदर्भ में जानकारी दी। तभी अशोक गर्गिलवार अपने पथक के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बोट की सहायता से उन्हें बाहर निकाला। नागरिकों ने अशोक गर्गिलवार और रेस्क्यू टीम का आभार माना। आम्ही गुरुपौर्णिमेसाठी मंदिरात पूजेसाठी गेलो होतो, तर नदीचं पाणी जास्त वाढल्यामुळे मग कोणाच्या काही संपर्कात येता आलं नाही आणि मग आम्ही ते निघून गेलो। आता आमच्या घरच्यांना माहीत पडलं की आम्ही मंदिरामध्ये फसलो, म्हणून त्यांनी जिल्हा प्रशासन सराची मदत घेऊन आम्हाला बाहेर काढलं। नगर सेवक प्रशांत दानव, जिल्हा प्रशासनाचे पोलीस विभागाचेही आभार। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस हवालदार अशोक गर्गिलवार, नायब पुलिस सिपाही मंगेश मत्ते, पुलिस सिपाही वामन नक्शी ने, दिलीप चौहान, उमेश बनकर, गिरीश मरापे, अजित बाहे, सजित मोगरे, अतुल सहारे ने अमूल्य योगदान दिया। ये पुलिस विभाग अशोक गर्गिलवार आपत्ति व्यवस्थापन आम्हाला जसं माहित झालं की आमच्या वरिष्ठांनी कंट्रोल रूमने कॉल केला की मंदिरामध्ये 4-5 लोक लटकले आहे, त्यांना रेस्क्यू करायचे आहे। त्यामुळे आम्ही साहेबांच्या आदेशाने, माननीय सरांच्या आदेशाने बोट घेऊन इथं आलो आणि मंदिरातून 5 लोकांना रेस्क्यू करून सुरक्षित बाहेर काढले।